गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा SST और चैप्टर चल रहा था हमारा 4th। ठीक है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था खनिजों के बारे में। खनिज क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से एरिया में कौन कौन से खनिज की जो मात्रा है वो अधिक है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, हमने ISP पढ़ लेते, कुछ हमारे खनिज थी मैंगनीज वगैरह उनके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। तो हमारा स्टार्ट होने वाला था खनिज संरक्षण। ठीक है, आज का हमारा क्या टॉपिक है, खनिज संरक्षण। आई होप आपने यहाँ तक की रीडिंग बहुत अच्छे से अपनी बुक की होगी, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है, मशीनों का अत्यधिक उपयोग तथा जीवन शैली में सुधार के कारण विश्व में खनिज संसाधनों की मांग बढ़ती जा रही है। खनिज अनवीनीकरण संसाधन है। देखिए, हमने जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था जो हमारे संसाधन होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर ये और प्रयोग के आधार पर। तो ऐसे ही हमने पढ़ा था नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन क्या थे, जिन संसाधनों को हम जल्दी ही दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पौधे हो गए या कुछ जीव जंतु हो गए, तो वो हमारे नवीनीकरण संसाधन है। लेकिन अनवीनीकरण संसाधन कौन से हैं, जिन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं या बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं, वो हमारे अनवीनीकरण होते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोई धातु, धातु भी हमारी इसी तरह की अनवीनीकरण संसाधन है। धातु, खनिज, अगर ये एक बार मिल जाते हैं तो वहाँ पे दोबारा बनने में इन्हें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। ये चीज़ें बनती कैसे हैं, देखिए, जब करोड़ों वर्ष तक कोई अवशेष दबे रह जाते हैं, उन अवशेषों से क्रिया करके हर जगह की मिट्टी या फिर वनस्पति या आप कह लो जलवायु अलग होती है, तो हर चीज़ हर जगह नहीं पाई जाती। उसी तरीके से जहाँ पे मतलब पेट्रोल वगैरह पाया जाता है, तो वहाँ आपकी जो भूमि होती है उसमें पेट्रोल बनता रहता है, लेकिन उसे बनने के लिए कितना समय लग जाता है, करोड़ों वर्ष। तो वो हमारा क्या है, अनवीनीकरण संसाधन है। तो वही यहाँ बताया गया है, खनिज में हमारा क्या है, एक अनवीनीकरण संसाधन। ये एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर खनिजों की मात्रा सीमित है और ये उपयोग के साथ नष्ट होते जा रहे हैं। हालांकि हम इनका सावधानी पूर्वक उपयोग करके इनके हार्श को कम कर सकते हैं। खनिज संसाधनों को संरक्षित रखने के कुछ उपाय निम्न हैं। नंबर 1 क्या है हमारा, पुनर्चक्रण। देखिए, कुछ वस्तु हैं जिन्हें हम जिनका हम उपयोग दोबारा कर सकते हैं, उनका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। लेकिन कुछ धातु हो गई, खनिज हो गई, या कुछ वस्तु ऐसी हैं जिनका हम उपयोग दोबारा नहीं कर सकते। तो जिन वस्तुओं का हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं, हमें उसका करना चाहिए। और जो नवीनीकरण संसाधन है, उनको तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुनर्चक्रण करना चाहिए, ताकि उनका जो कमी है वो हम लोगों को ना देखनी पड़े, उसकी जो मात्रा है वो धरती पर बनी रहे सही। उसमें बहुत सी धातुएं जैसे लोहा, तांबा, सोना तथा एल्युमिनियम को बिना किसी गुणवत्ता को कम किए पुनः प्रयोग किया जा सकता है। पुनर्चक्रण से तात्पर्य बेकार धातुओं से पुनः प्रयोग से है। देखिए, जो धातु खनिज होती है, इन्हें हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं आराम से। तो इनका हमें क्या करना चाहिए, पुनर्चक्रण करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 2 है, उत्पादन की उपयुक्त विधि। खनिजों को उपयुक्त विधि से निकाल कर उन्हें संसाधित करके तथा उनकी अपव्यता को समाप्त करके संरक्षित किया जा सकता है। नंबर 3 है हमारा विकल्प। देखो, खनिजों को क्या, उपयुक्त विधि से निकालकर उसको समाप्त करके, जो उनकी अपव्यता है या संसाधिता है उसको समाप्त करके संरक्षित किया जा सकता है। तीसरे में विकल्प में क्या लिखा है, हाल ही में खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए विघटनीय प्लास्टिक तथा अन्य विकल्पों के उपयोग के प्रयास किए गए हैं, हमें इन प्रयासों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऊर्जा संसाधन। जिस प्रकार हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे अन्य कार्यों को पूर्ण करने वाली मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा आधुनिक समय की एक मूलभूत आवश्यकता है। यह प्राकृतिक, मशीनीकृत, विद्युतीय या खनिज जनित हो सकती है। ऊर्जा के मुख्य 5 स्रोत हैं, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जल
तथा परमाणु ऊर्जा, ये सभी क्या है, हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। पहली तीन प्रकार की ऊर्जा का उपयोग विश्व की 85% व्यावसायिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, तथा शेष 15% ऊर्जा जल तथा परमाणु शक्ति से प्राप्त की जाती है। देखिए, जल ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा आप जानते ही होंगे क्या होती है, तो इससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 15%। नेक्स्ट है कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस जैविक उत्पत्ति है तथा जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं, ये ऊर्जा के अनवीनीकरण संसाधन है। कौन कौन से, कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये जैविक उत्पत्ति है और ये हमारे क्या है, अनवीनीकरण संसाधन भी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें देखिए क्या लिखा है, ये हीराकुंड बांध का आपको डायग्राम दिखाया गया है। बांध परियोजना, बांध जो होते हैं क्या होते हैं ये आपको हम बता चुके हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं, ऊर्जा के स्रोत को पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक स्रोतों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऊर्जा को प्रारंभिक स्रोत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा तथा बायोगैस है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से उत्पन्न ऊर्जा प्रदूषण का कारण होती है, जबकि जल, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा के कारण प्रदूषण नहीं होता है। परमाणु ऊर्जा के कारण अपशिष्ट के निपटान तथा विकिरण की समस्या हो सकती है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, ऊर्जा के जो स्रोत है दो प्रकार के हैं, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। देखिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक के बारे में हम इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं, जैसे हमारा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हो गई, ये पारंपरिक हो गई, और जो गैर पारंपरिक गैस है वो क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा या भूगर्भीय ऊर्जा, और परमाणु ऊर्जा क्या है, हमारी गैर पारंपरिक। पारंपरिक स्रोतों का उपयोग कुछ समय से किया जा रहा है, जबकि गैर पारंपरिक स्रोतों का विकास हाल ही में हुआ है। बहुत से विकासशील देशों में चारकोल, जलाऊ लकड़ी, जंतुओं के अपशिष्ट जैसे गोबर तथा फसलों के अपशिष्ट का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ये ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा संसाधनों का सार्वभौमिक वितरण। आजकल ऊर्जा का अधिकांश उत्पादन कोयले, खनिज तेलों तथा प्राकृतिक गैसों द्वारा किया जाता है। जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक जैविक प्रकृति के होते हैं, ये वो पौधों तथा जंतुओं के मृत अवशेषों से उत्पन्न होते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत नंबर एक है कोयला। सदियों से कोयले का घरेलू उपयोग घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, किंतु 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उपयोग भाप शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया गया और इस प्रकार यह औद्योगिक क्रांति का आधार बना। यह कारखानों में मशीनों को चलाने तथा रेल इंजनों को शक्ति प्रदान करने का एक उपयुक्त साधन बन गया था। बाद में इसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया गया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, कोयले के बारे में पढ़ा, इसका मतलब कि कब से स्टार्ट हुआ भाप शक्ति, जैसे आपने देखा होगा पहले जो रेलगाड़ी चलती थी वो स्टीम इंजन से चलती थी, और फिर मतलब कि कोयले का भी उपयोग किया गया रेलगाड़ी को चलाने के लिए। अब आता है कोयले को वर्गीकरण करके उस उपस्थित कार्बन तत्वों की मात्रा के आधार पर किया जाता है, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखो जो कोयले होते हैं उनको जो उनमें कार्बन पाया जाता है उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं जो नीचे लिखे हैं। देखिए नंबर वन कौन सा है, पीट, नंबर टू हमारा लैग्नाइट होता है, नंबर थ्री बिटमोस होता है, और नंबर चार कौन सा होता है, एंथ्राइस्ट होता है। पीट में क्या है, जल की अधिकतम मात्रा निहित होती है तथा यह निम्न गुणवत्ता का कोयला होता है, जलने पर यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है, इसमें कार्बन की मात्रा 50-60% होती है, यह कोयला निर्माण के पहले चरण को प्रस्तुत करता है। लैग्नाइट हो गया भूरा कोयला, में कार्बन की मात्रा लगभग 60-70% होती है, यह विश्व में उपलब्ध कुल कोयले का लगभग 80% भाग होता है। और बिटुमिनस क्या होता है, काला कोयले में कार्बन की मात्रा लगभग 70-90% होती है। एंथ्रासाइट में लगभग 90% कार्बन की मात्रा होती है, यह
उत्तम गुणवत्ता का कोयला होता है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो सबसे अच्छा कोयला होता है कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। ठीक है, चलिए। विश्व में सबसे विशाल कोयला भंडार रूस में पाए जाते हैं। यहाँ विश्व की कुल कोयला भंडार का 1/3 से भी अधिक भाग है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व के 1/4 कोयला भंडार है। रूस सहित चीन, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम यूरोप के भाग, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में विश्व के लगभग 90% कोयला आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो विशालतम क्षेत्र का है रूस में, नंबर 2 पे हमारा कौन सा आता है, संयुक्त अमेरिका। उसके बाद जो कोयले पाया जाता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग मात्राएं हैं, लेकिन नंबर 1 पे कौन सा है, रूस। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आता है खनिज तेल। खनिज तेल या पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में संग्रहित भूगर्भीय भंडारों से प्राप्त किया जाता है। यह पृथ्वी के भीतर बड़ी मात्रा में दबे सड़े गले पेड़ पौधों तथा मृत जीव जंतुओं से बनता है। ताप तथा दबाव इन जैविक पदार्थों को खनिज तेल तथा गैस में परिवर्तित कर देता है। असंशोधित खनिज तेल को विभिन्न उत्पाद जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल आदि बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। इनसे प्राप्त उत्पादों का उपयोग स्थल, समुद्र तथा वायु यातायात के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें सैकड़ों उत्पाद जैसे चिकनाई, लुब्रिकेट, वैक्सीन, तार, स्याही, दवाइयाँ, मोम, टेरिलीन, साबुन आदि निर्मित किए जाते हैं। खनिज तेल का प्रयोग वैद्युत उत्पाद के लिए भी किया जाता है। विश्व में प्रमुख तेल उत्पादक देश कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, इराक तथा UAE है। कुल खनिज तेल भंडार का लगभग 2/3 भाग दक्षिणी पश्चिमी एशिया में फार्स की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। 75% तेल का निर्यात यहाँ से होता है। अमेरिका में विशाल तेल का भंडार है। रूस तथा चीन तेल की आवश्यकता हेतु आत्मनिर्भर है। अन्य तेल उत्पाद देश वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया तथा इंडोनेशिया है। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि विशाल तेल भंडार कहाँ पे है, अमेरिका में है, और अलग अलग देशों में अलग अलग इनकी परसेंटेज होती है तेल को पाए जाने की। जैसे हम जानते हैं इराक में तेल के कुएं पाए बहुत अधिक मात्रा में है, सऊदी अरब में। तो ये आपको सब बताया गया है। बाकी देशों में तेल का क्या होता है, आयात निर्यात किया जाता है, मतलब कि निर्यात किया जाता है जो। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्राकृतिक गैस। यह पेट्रोलियम तथा खनिज की तरह समान भौगोलिक परिस्थितियों से प्राप्त होता है। कुछ कुएं बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस उत्पन्न करते हैं। इसे औद्योगिक उपयोग में पूर्व संशोधित किया जाता है। इसमें मुख्य मिथेन तथा ब्यूटेन गैस उपस्थित होती है। यह घरेलू देशों के लिए LPG तरल पेट्रोलियम गैस के रूप में ही या यातायात में CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। यह उर्वरक उद्योग में भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। यह वैद्युत से सस्ती होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। रूस तथा यूरोप अन्य गैस उत्पादक क्षेत्र है। खनिज भारत में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार असम में पाए जाते हैं। गुजरात तथा महाराष्ट्र अन्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। खंबाल की खाड़ी तथा गोदावरी व कृष्ण नदी के डेल्टा क्षेत्रों में भी तेल के कुएं उपलब्ध है। देखिए, भारत में जो प्राकृतिक गैस पाई जाती है, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भारत में, असम में पाए जाते हैं। और गुजरात तथा महाराष्ट्र में अन्य तेल उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ भी कुछ मात्रा में हमारा तेल पाया जाता है अन्य। अब आता है हमारा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। अब तक ये जो हमारे चल रहे थे कोयला, प्राकृतिक गैस, ये कौन से थे हमारे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। अब हमारे कौन से चलेंगे, गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक या वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत किसी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं होते। ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। इस प्रकार की ऊर्जा में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा भूगर्भीय ऊर्जा सम्मिलित हैं, क्योंकि जल, वैद्युत तथा ऊर्जा के उपयुक्त स्रोत किसी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः इन्हें ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, सबसे पहले जो हमारी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है उसमें हम कौन सा पढ़ते हैं, सौर ऊर्जा। चलिए सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। सौर मंडल में ताप तथा प्रकाश का एकमात्र स्रोत सूर्य है। देखिए, सौर ऊर्जा जो होती है उसका एक ही स्रोत है, वो किससे प्राप्त किया जाता है, सूरज की रोशनी से। आपने देखा होगा आपके आसपास
इस तरीके की जो पैनल लगा हुआ है लगाते हैं और उसके साथ एक बैटरी अटैच कर देते हैं। और जो हम अपने घर में लाइट वगैरह, या फिर आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी इस तरीके की स्कीम लाती है जिसमें जो खंभों की लाइट होती है वो इससे जलती है, ठीक है। तो लेकिन इसका एक मतलब कि डिसएडवांटेज क्या है कि जब बारिश होती है या फिर जब हमारे यहाँ धूप नहीं निकलती है तो ये इसका जो यूज़ है वो नहीं हो पाएगा। इतने अगर समझिए कि बारिश होती रही और धूप नहीं निकली बाय चांस, तो ये डिस्चार्ज होके ये जब तक चार्ज नहीं होगी कब तक, जब तक धूप नहीं निकलेगी। बाकी इसका जो मतलब कि एडवांटेज काफ़ी है, डिसएडवांटेज एक यही है। ये हमारे लिए ऊर्जा का विशालतम साधन है। सौर ऊर्जा हमें सदैव तथा बिना किसी मूल्य के प्राप्त होती है। सौर पैनल को सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत से देशों में छोटे पैमाने पर यह खाना बनाने, प्रकाश प्रदान करने तथा खाद्य वस्तुओं को गर्म करने के उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है। एशिया तथा अफ्रीका के देश इससे लाभ उठा रहे हैं सकते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा का दोहन अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है। अब आता है नेक्स्ट सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये किस चीज का है, पवन ऊर्जा का। इस तरीके के मतलब कि मैं नीचे कर देती हूँ थोड़ा, इस तरीके के कुछ एक फैंस वगैरह लगाए जाते हैं। जब हवा चलती है तो क्या होता है, ये राउंड जो हमारी पंखड़ियाँ हैं इसकी घूमती है और उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो क्या है, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का उपयोग जहाजों को चलाने तथा साथ ही साथ अनाज पीसने के लिए, पवन शक्ति चलाने या जल को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। हाल ही में इसका उपयोग वैद्युत उत्पादन में के लिए भी किया जाता है। पवन में अद्भुत क्षमता होती है लेकिन इसके उपयोग में यह समस्या होती है कि इसके बहाव के समय तथा तीव्रता में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। पूर्व उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड आदि ऐसे देश हैं जहां इसका विकास किया गया है। भारत में गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। देखिए आपको बता दिया पवन ऊर्जा का उपयोग कहां कहां किया जा रहा है, पवन ऊर्जा के बारे में आपको बता चुकी हूँ। और भारत में कौन कौन से राज्य हैं जिनमें इसका प्रयोग किया जा रहा है, गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मतलब कि इन राज्यों में अधिक मात्रा में किया जा रहा है। नहीं तो हमने अपने आसपास भी उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन इन ये जो राज्य यहाँ बताए गए हैं इन यहाँ के लोग अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आती है हमारी भूगर्भीय ऊर्जा। यह पृथ्वी के अंदर उपस्थित प्राकृतिक ताप का एक उपयोगी विद्युत रूपांतरण है। इटली ने विद्युत उत्पादक के लिए इस ऊर्जा का विकास सन 1904 में किया था। वर्तमान में रूस, जापान, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, आइसलैंड, हवाई तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्राकृतिक भूगर्भीय ताप को विद्युत में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित तथा पानी में एक भूगर्भीय संयंत्र है। इसकी उत्पादन क्षमता 300 किलोवाट है। हालांकि इस ऊर्जा का पूर्णतः दोहन नहीं किया गया है। नेक्स्ट आती है हमारी ज्वार ऊर्जा। समुद्रों के किनारे पर सदैव ज्वार उठने की घटना घटित होती रहती है। यह ज्वार, देखिए ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, ज्वार उठना। ये ज्वार दो प्रकार के होते हैं, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार। इन ज्वारों में उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता होती है। ज्वारों से प्राप्त ऊर्जा का दोहन उन देशों में किया जाता है जहाँ लंबे तट होते हैं। फ्रांस पहले से ही उस ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट आता है यूरेनियम तथा थोरियम। देखिए यूरेनियम और थोरियम का उपयोग हम जो अल्फा बीटा गामा हमारी किरणें होती है रेडियो मतलब की रेडियोधर्मिता में भी करते हैं। ये कठोर एवं सघन पदार्थ होते हैं तथा इसमें उच्च परमाणु भार होता है। ये रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। ये परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किए जाते हैं किंतु ये पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। क्या होते हैं, ये थोड़े हार्मफुल होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए। इनके अपशिष्ट का निपटान भी एक बड़ी समस्या है। यह पदार्थ कांगो, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, रूस तथा भारत में पाए जाते हैं। जो हमारी लास्ट हेडिंग है क्या है, थोड़ा इधर हो गया है, ये ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण।
देखिए हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कुछ संसाधन जो हमारे पारंपरिक होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म उनके होने का आसार ज्यादा है क्योंकि वो अनवीनीकरण संसाधन है। इसलिए हमें ऊर्जा के संसाधनों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा है। ऊर्जा का संरक्षण समय की आवश्यकता बन चुका है, यह तभी संभव हो सकता है जब ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग, नवीनीकरण जैसे हमारी सौर ऊर्जा हो गई या ज्वार ऊर्जा हो गई, ये हमारी नवीनीकरण है क्योंकि इसको हम बना सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये हमारी क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन है क्योंकि इससे हम बार बार ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हमारी सौर ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा आपने जो हम पैनल लगाया था, मैंने आपको दिखाया था, देखिए इस तरीके का जो हमारा पैनल था, अगर हमने ये लगा लिया और फिर हमने इसकी जो लाइट थी, इसने जो बैटरी चार्ज की, हमने पूरे दिन यूज़ की, पूरी रात यूज़ की, वो जब डिस्चार्ज हो गई तो अगले दिन मॉर्निंग से फिर जब सन निकला तो क्या होगा, वो दोबारा से चार्ज हो जाएगी। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नवीनीकरण है क्योंकि हम इसको क्या बार बार उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तेल भंडार तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं तथा विश्व ऊर्जा की संकट अवस्था का सामना कर रहा है जो आने वाले समय में और भी गंभीर होने वाली है। अतः आवश्यक हो रहा गया है कि औद्योगिक तथा घरेलू दोनों उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा उपयोग तथा प्रेषण के में होने वाली हानि को कम करके ऊर्जा का संरक्षण किया जाए। निम्न उपायों का अपनाकर ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है। नंबर एक, ताप केंद्रों की कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए। नंबर दो, उद्योगों, भट्टियों तथा ताप केंद्रों के अपशिष्ट का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से ताप प्राप्त करने में करना चाहिए। नंबर तीन, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपशिष्ट को जलाना चाहिए। नंबर चार, मशीनों व उपकरणों का अत्यधिक उत्तम बनाना चाहिए। नंबर पाँच, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे गोबर गैस, बायोगैस आदि का उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक यातायात के साधनों को उत्तम बनाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर इनका प्रयोग कर सकें। लोगों को व्यक्तिगत वाहनों की साझेदारी के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे इसमें क्या लिखा है कि सातवीं लाइन कितनी अच्छी लिखी है, लोगों को व्यक्तिगत वाहनों की साझेदारी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमारे बराबर वाला या जो हमारे साथ फ्रेंड्स है या जो हमारे साथ वर्क वगैरह करते हैं, तो उनको भी हमें अपने विकल्प पे या एक साथ ले जाना चाहिए। इससे क्या हो कि हमारा जो पेट्रोल है उसकी बचत हो सके। उससे क्या होगा कि ऊर्जा का जो ये संसाधन है पेट्रोल, इसकी ये जल्दी से हार्श नहीं होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा उपयोग होगा ये उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आपको पढ़ने हैं ध्यान से। और ये चैप्टर आज हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो आप सब कॉपी में कर लोगे, इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप द्वारा भेज दूँगी। और जो इसके क्वेश्चन आंसर है वन वर्ड्स वाले, लघु, अति लघु, और इसमें शायद आपके अंतर भी हैं, तो वो सब आपको कॉपी में करना है। सिर्फ बुक एक्सरसाइज ही आप बुक में भरोगे, बाकी आपको कॉपी में करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।